हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को देश का खजाना लूटने में एक्सपर्ट पार्टी बताया है। विज का यह बयान पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के दामाद का एक कथित बैंक घोटाले में नाम शामिल होने के आरोपों के बाद आया है। इसके अलावा विज ने कांग्रेस के प्रदेश मुखिया अशोक तंवर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी बयानों के तीर छोड़े हैं। हरियाणा के सेहत महकमे के मुखिया अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस को लपेटा है। अंबाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की खूबी है कि ये मिलकर खाते हैं, ये अपने दामादों और रिश्तेदारों को सरकार का माल लुटवाते हैं। पहले दिल्ली में एक दामाद सरगर्म रहा जब तक दिल्ली में यूपीए की सरकार रही, और अब पंजाब के मुख्यमंत्री के दामाद का मामला सामने आया है। साफ है कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तो ये अपने दामादों को खूब सरकारी माल लुटवाती है। कांग्रेस वालों की एक खूबी है, ये मिलके खाते हैं, अपने दामादों को, अपने रिश्तेदारों को, सारों को सरकार का माल लुटवाते हैं। पहले दिल्ली में एक दामाद सरगर्म रहा जब तक दिल्ली में यूपीए की सरकार रही है, और अब पंजाब के चीफ मिनिस्टर के दामाद का मामला सामने आ गया है। तो कांग्रेस की तो ये नीति है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस जब आती है अपने दामादों को लुटवाती है। विज ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अशोक तंवर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनकी पार्टी के ही नेता उन्हें अपना लीडर नहीं मानते। इनकी मीटिंगों में न तो हुड्डा आते हैं और न ही किरण चौधरी शरीक होती हैं, और लोग इनकी बात नहीं सुनते। विधायक भी इनके कार्यक्रमों में नजर नहीं आते। हुड्डा की रथ यात्रा को भी विज ने फ्लॉप करार देते हुए कहा कि हुड्डा की रथ यात्रा चलते ही पंक्चर हो गई है। बात ये है, अशोक तंवर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आज तक इनकी मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं आता, किरण चौधरी नहीं आती, और लोग इनकी बात नहीं सुनते, कोई विधायक नहीं आते हैं। किस आधार पे ये उनके बिहाफ पे बोल सकते हैं? वो इनको प्रधान तक मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, वो पंक्चर होगी, हुड्डा साहब की रथ यात्रा पंक्चर हो गई है।